नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया है, दिवाली और छठ पूजा तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। 80 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। दरअसल देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बड़ी घोषणा की है। पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त राशन योजना 5 महीने और दी जाएगी। अब यह योजना नवंबर तक देश में लागू रहेगी। इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। साथ में आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा है कि हम कोरोना के साथ साथ ऐसे मौसम की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ तमाम तरह की बीमारियाँ होती है। ऐसे में सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है। पीएम मोदी ने विनम्र अपील करते हुए कहा है कि आप अपना ध्यान रखें। पीएम मोदी ने कहा है कि अनलॉक होने के बाद लापरवाही और ज्यादा बढ़ गई है। 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। आसान भाषा में इस पूरी खबर को समझे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। अब दीपावली के बाद तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा, साथ में 1 किलो चना भी दिया जाएगा। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। चलिए आसान भाषा में समझ लेते हैं कहां छूट मिलेगी और कहां लगेगी सख्ती। सबसे पहले आपको बता दें, मेट्रो, रेल, सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऐसे स्थान अभी भी बंद रहेंगे। अगर आप अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और बड़े कार्यक्रमों पर अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। शहरी नगरीय निकाय क्षेत्रों में धार्मिक स्थल, जहां बड़े हम धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं, वहां पर अभी छूट नहीं दी गई है। हालांकि धार्मिक स्थल वहां खुल सकेंगे जहां 50 व्यक्तियों से कम लोग इकट्ठा होते हैं, वहां धार्मिक स्थल खोल सकते हैं। इसके साथ ही शादी विवाह की बात करें तो पुराना वाला नियम ही अभी लागू है। SDM को सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको शादी करनी होगी। शादी में 50 से अधिक मेहमान शामिल नहीं हो सकते। और प्रदेश में सिटी बसों का संचालन अभी भी बंद ही रहेगा। चलिए अब जानते हैं छूट कहां पर मिली है। तो आपको बता दें, नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति अब दे दी गई है। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है और अब यह समय 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। अगर आप दवाई की दुकान से जुड़े किसी काम जा रहे हैं तो आपके लिए नाइट कर्फ्यू भी लागू नहीं होगा। आप आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो अनलॉक 1 के दौरान जो छूट मिली थी उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।